सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ आप लोग देख पाएंगे कि अमेजोन की जो है रिपब्लिक डे सेल चालू है और उस पे काफी सारे लैपटॉप्स पे आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वन ऑफ द लैपटॉप जहां पे मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे उस लैपटॉप को खरीदने के लिए, दैट इज Asus VivoBook 14। और इस लैपटॉप का दोस्तों सबसे बड़ा मैं कहूंगा सेलिंग पॉइंट यही लोगों के मन में बन जाता है कि भाई इसके अंदर आपको i7 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड दिस लैपटॉप इज प्रीटी डार्न चीप इफ यू कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिशन फॉर द गिवन प्राइस। लेकिन दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा 53,990 का, और इसी के साथ में 1500 रुपए का आपको SBI का क्रेडिट कार्ड वाला ऑफ भी मिल जाता है, तो वो भी जो है आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये लैपटॉप आखिरकार इतना सस्ता क्यों है, और होता है ना दोस्तों सस्ते चीजों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो कौन से हैं वो भी जो है हम लोग इस लैपटॉप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये लैपटॉप सस्ता क्यों है। ठीक है, एक तो 14 इंच का पैनल है, और दोस्तों जो पैनल फुल HD वाला इन लोगों ने यूज किया हुआ है वो इंडस्ट्री में सबसे निचले स्तर वाला पैनल है, सबसे खराब क्वालिटी का। कहते हैं ना कि एक गाड़ी ली उसमें जो सबसे बेस मॉडल है वो वाला जो है स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां पे आप लोगों को 45% ऑफ NTSC जो है कलर गैमोट देखने को यहाँ पे मिलेगा, या फिर आप लोग के लीजिए 63% ऑफ sRGB। तो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, 2023 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जहां पे आप लोगों को बेसिक i3 वाले लैपटॉप में भी 100% sRGB वाला पैनल देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज इफ यू आर परचेजिंग दिस लैपटॉप, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 24 घंटे जो है यहाँ पे सिर्फ उसके अंदर जो है गेम ही खेलते रहोगे, या फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली आप उसमें यूट्यूब देखोगे, मूवीज देखोगे और मैच भी देखोगे, तो उस केस में जो कलर एक्यूरेसी मिलती है ना, कलर आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि थोड़े वॉश्ड आउट होते हैं ना, जैसे धुले धुले, वैसे हल्के हल्के कलर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पैनल की क्वालिटी सबसे घटिया लेवल वाली है, तो ये रीजन बन जाता है कि ये लैपटॉप की प्राइस कम है। फिर दूसरी बात आ जाती है दोस्तों यहां पे इस लैपटॉप की बैटरी को लेके। तो बैटरी को लेके दोस्तों इस चीज के दो एस्पेक्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली बात, इतने पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आप लोगों ने जस्ट 37 वॉट आवर की बैटरी दी हुई है, विच आई थिंक इज रियली लो कंसिडरिंग कॉम्पिटिशन जो है दोस्तों। भले ही 14 इंच के आजकल बहुत सारे लैपटॉप आ रहे हैं, फिर भी मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करते हैं कि 50 वॉट आवर से जो है ऊपर ही जो है यहाँ पे बैटरी दी जाए। 37 वॉट आवर की बैटरी कम है, ठीक है, इस पावरफुल प्रोसेसर के हिसाब से। और दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, जब आप इसका प्रोसेसर देखेंगे, ठीक है, i7 भले ही है लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है 2 साल पुराना प्रोसेसर है। एज ऑफ नाउ आप लोगों को लेटेस्ट 13th जनरेशन वाले लैपटॉप जो है कुछ दिनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये 11th जनरेशन का लैपटॉप है, तो लगभग 2021 में जो है ये वाले मॉडल चला करते थे, तो इसलिए इस लैपटॉप की प्राइसिंग जो है थोड़ी बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। नाउ भले ही प्रोसेसर दोस्तों पुराना है लेकिन पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे एक मैटर कर जाता है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली सही है यहाँ पे, कि ये लैपटॉप जो है बचे कुचे जो भी स्टॉक में थे, ठीक है, बिकॉज i5 वाले मॉडल के ऊपर ये ऑफर नहीं आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ i7 वाले मॉडल के ऊपर ये ऑफर आया हुआ है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंज्यूमर जो कि जानते हैं क्या वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है, तो उस केस में ये वाले मॉडल्स बच गए होंगे 2021 के, जो अभी आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में परोसे गए हैं। और बैटरी का दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, अगर आप उसको यूज भी नहीं करेंगे तो भी रखे रखे जो है बैटरी यहाँ पे आपकी खराब होते रहती है। तो एक तो ऊपर से छोटी बैटरी 37 वॉट आवर की, और ऊपर से आपकी अगर यहाँ पे मान के चलिए 20% बैटरी भी डिग्रेड हो गई है, तो 37 वॉट आवर वाली जो बैटरी है दोस्तों लगभग आप लोगों को 30 या फिर 32 वॉट आवर वाली जो है एज ऑफ नाउ देखने को यहां पर मिल जाएगी, अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही बैठता है तो। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे ओल्ड जनरेशन स्टोरेज को लेके। नाउ यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा काफी जगह मेंशन किया हुआ है NVMe, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे सो इट्स NVMe Gen 3। एज ऑफ नाउ आप लोगों को लेटेस्ट दोस्तों जो है NVMe Gen 4 देखने को मिल रहा है, जो की काफी ज्यादा हाई स्पीड स्टोरेज है, तो उसका जो है प्रैक्टिकल इफेक्ट दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि ऐप लोडिंग टाइम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन Gen 3 स्टोरेज के साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या ये है कि थोड़ा बहुत जो है ये स्टोरेज आपको स्लो देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दी Gen 4। तो आप लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे दोस्तों, चीजें यहां पे पुरानी यूज की गई हैं, दैट इज व्हाई मोस्ट प्रोबेबली दिस लैपटॉप इज प्राइसिंग सो एग्रेसिवली। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहां पे टाइप सी पोर्ट के लेके। डेफिनेटली एक टाइप सी पोर्ट यहां पे आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, लेकिन उस के अंदर आप लोगों को जो है थंडरबोल्ट 4 स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में दोस्तों जो वाईफाई है आप लोगों को वाईफाई 6 की जगह जो है वाईफाई 5 देखने को यहां पर मिल जाता है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई 6 है, मैंने क्योंकि खुद प्रैक्टिकली नोट किया हुआ है दोस्तों, उसकी रेंज काफी ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद LG Gram 17 2021 वाला मॉडल यूज करता हूं, उसके अंदर वाईफाई 6 है, एंड आई कैन प्रैक्टिकली फील की
कितनी अच्छी क्वालिटी से, भले ही दूसरे रूम में बैठ के लैपटॉप आप लोग चलाइए तो आपके जो बैंडविड्थ है वो अच्छा पकड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों वीजीए कैमरा। नाउ 2023 एक ऐसा इरा है जहां पे हर कंपनी कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट फुल एचडी कैमरा जो है यहाँ पे प्रोवाइड करे विद आईआर सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वीजीए कैमरा देखने को मिलता है, दैट टू दोस्तों उसके ऊपर कोई भी प्राइवेसी शटर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये थे दोस्तों कुछ कारण जहां पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये लैपटॉप क्यों जो है सस्ता आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट की, ठीक है, प्रैक्टिकल साइड इफेक्ट कह लीजिए कि क्या इससे वाकई कुछ होता है या फिर नहीं होता है, उनके बारे में बात करते हैं। बैटरी लाइफ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों छोटी है, ऊपर से जो है यहाँ पे वो डिग्रेड होती रहती है, तो डिग्रेड हो चुकी है अगर ये लैपटॉप काफी ज्यादा पुराना है, 2 साल पुराना, तो उसके कारण से बैटरी लाइफ के बारे में तो कुछ यहाँ पे नहीं किया जा सकता। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे इसके प्रोसेसिंग पावर को लेकर, 28 वाट वाला दोस्तों आप लोगों को i7 भले 2 साल का पुराना जी सीरीज का प्रोसेसर देखने को यहाँ पे मिलता है, तो उसके अंदर आप लोग डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे थोड़े बहुत लाइट गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है फुल्ली गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। द रीजन बीइंग इज दोस्तों डेफिनेटली कोई यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड जो है गेमिंग सेंट्रिक वाला देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को वंस अगेन दोस्तों इंटेल की तरफ से जो आयरिस एक्सी ग्राफिक आपको जो देखने को मिलता है विद 96 एग्जीक्यूशन यूनिट वही देखने को मिलेगा, कोई भी GTX वाला 1650 भी वो लोग एटलीस्ट यहाँ पे दे देते सो दैट वुड हैव बीन ग्रेटर, लेकिन गेमिंग के लिए दोस्तों ये लैपटॉप में जो है कंपलसरी रिकमेंड नहीं करूंगा, ओकेशनल गेमिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है दोस्तों 16GB रैम की, तो ये एक इस लैपटॉप का प्लस पॉइंट बन जाता है दोस्तों, कंसिडरिंग कोरोना के बाद में हमारे लैपटॉप की यूटिलिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है एंड द नंबर ऑफ रेगुलर एप्स विच वी आर यूजिंग हैज गॉन अप, ठीक है। तो 16GB रैम आपकी है तो कोई दिक्कत आप लोगों को जाने वाली नहीं है, आपका जो लैपटॉप है प्रॉपरली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा से यहाँ पे फंक्शन करेगा। फिर बात आ जाती है दोस्तों NVMe Gen 3 स्टोरेज की, डेफिनेटली मैंने बताया दोस्तों Gen 4 से काफी स्लो है, लेकिन स्टिल फॉर दी 94-95% ऑफ द पीपल इट डजंट मैटर, कंसिडरिंग स्टिल आप लोगों को NVMe Gen 3 जो स्टोरेज मिलता है वो हार्ड डिस्क से तो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इट्स माइल्स माइल्स बेटर। तो लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आपका लैपटॉप जो है बिल्कुल यहाँ पे स्लो अप नहीं करने वाला है, और इस SSD के साथ में आपके जो लैपटॉप की बूट टाइमिंग वो भी जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो स्टोरेज के मामले में कहीं ना कहीं ठीक है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं इसको बिग थम्स अप यहाँ पे देता हूँ। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे लेके स्क्रीन को लेके, ठीक है, देखिए स्क्रीन को लेके जैसे कि मैंने बताया बहुत ही घटिया पैनल है, लेकिन कंपनी ने डाला है तो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर सेगमेंट तो होगा ही होगा यहाँ पे कि जो इस घटिया स्क्रीन के साथ में जिंदा रह सके। जैसे कि आप लोगों को अगर ये लैपटॉप बिलिंग करने के लिए नहीं, आपके ठीक है दुकान है, छोटा मोटा कुछ आपका सेटअप है जहां पे जस्ट आप लोग बिलिंग करते हैं और ऑफिस पर्पज के लिए यूज करते हैं, देन दैट्स वेरी गुड। फिर दोस्तों जस्ट आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई बस घर में एक लैपटॉप आ जाए, कैसा भी आ जाए, थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर हो, काम वाम चल जाए, देन डेफिनेटली दोस्तों ये वाला लैपटॉप भी जो है आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर आपको अगर दोस्तों इस लैपटॉप को मॉनिटर के साथ प्लग इन करना है, एक अच्छे क्वालिटी के मॉनिटर आपके पास पहले से रखा हुआ है, देन डेफिनेटली दोस्तों आप जो है यहां पे इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं, आप जो है इसको इजीली अपने मॉनिटर से जो है प्लग इन करके एक अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले पे जो है यहां पे वर्क कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहां पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और किड्स को लेके, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में आप जो है घर वर में रहते हैं, ठीक है, घर में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो वहां पे पावर प्लग जो है आपका पास में ही रहता है, और कंसीडरिंग इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप जो है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से 3.5 आवर्स के बीच में जो है देखने को मिलेगी, अगर नया है तो 3 से 3.5 आवर्स, और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिकली लोड करते जाएंगे दोस्तों 2 से 2.5 आवर्स तक आपकी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, तो पावर प्लग इन आपके पास जो है पास में होना चाहिए, तो उस हिसाब से स्टूडेंट लाइफ जो है सही रहती है। लेकिन अगर दोस्तों आप ऑन दी गो रहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, देन दिस लैपटॉप इज स्ट्रिक्टली नो फॉर यू, क्योंकि यहां पे आपकी बैटरी जो है कभी भी यहां पे जा सकती है।